हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एंड माय टुडेज टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन्स। एल्काइन्स में क्योंकि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसीलिए ये एडिशन रिएक्शंस भी दिखाते हैं। साथ में अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है एक साइड या दोनों साइड, तो ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होती हैं, जिनका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज भी। सबसे पहले हम इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज ही देखेंगे। जब इसके एक साइड हाइड्रोजन होगा तो वो एक बार एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, और अगर दोनों साइड है तो इट कैन रिएक्ट विद बेस विद टू टाइम्स। सेकेंड, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एडिशन रिएक्शंस होंगी, और ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसका मैकेनिज्म, अगर इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट अटैक करेगा तो हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे, और अगर न्यूक्लियोफिलिक ऐड करेगा तो हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, और अगर फ्री रेडिकल की हेल्प से ये रिएक्शन होगी परऑक्साइड की प्रेजेंस में तो हम इसे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट, इसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप, जैसे कि OH ग्रुप, अगर कोई ऐसा ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस होता है तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर इसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ती है तो इस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो इसीलिए हम इसकी ये दोनों टाइप की रिएक्शंस देखने वाले हैं। साथ में क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, अगर एक ही बार एडिशन रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट में एक पाई बॉन्ड बच जाएगा, और वो फर्दर पार्टिसिपेट कर सकता है या तो एडिशन में ही या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। तो हम इसके प्रोडक्ट का पॉलीमराइजेशन भी देखेंगे, और एज सच अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो भी ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ में हम देखेंगे इसकी आइसोमराइजेशन रिएक्शन। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ये साइक्लोएल्कीन्स के साथ अपना आइसोमर बना सकता है, इसे जिसको हम रिंग चेन आइसोमर भी बोलते हैं, तो हम इसकी आइसोमराइजेशन रिएक्शंस भी देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट कि अगर हमारे पास एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों गैसेस हैं तो हम उसको कौन से टेस्ट की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल एसिडिक रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन एंड डिस्टिंग्विश टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं एल्काइन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के ये जो दो हाइड्रोजन है, ये एज ए एच प्लस आयन बाहर जाते हैं, और इनकी जगह दूसरा कोई आयन, पॉजिटिव आयन आके सी ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये कौन सी एल्काइन्स जो है रिएक्शन दिखाती है, ये केवल वो एल्काइन्स रिएक्शन दिखाती है जिनके पास टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है। टर्मिनल एल्काइन्स मीन्स ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास मिनिमम एक साइड हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। और ये क्यों इस तरह से रिएक्शंस दिखाते हैं जिनको हम एसिडिक रिएक्शंस कहते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो एसिडिक होता है। क्यों? तो इसके पीछे दो कारण है। फर्स्ट, कि ये कार्बन sp हाइब्रिड होता है, और sp हाइब्रिड कार्बन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो एसिडिक होता है। इसका रीजन हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और दूसरा, H प्लस आयन देने के बाद जो आयन बनता है, एसिटिलाइड नेगेटिव आयन जो बनता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव आयन, ये आयन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू इथिनाइड आयन और इथेनाइड आयन। तो हम देखते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले आपने एसिड आयन लिया, क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो ये किससे रिएक्शन करेगा, ये करेगा एल्कली मेटल से, ये करेगा एल्कली से रिएक्शन, या एल्कलाइन नेचर वाले कंपाउंड से। तो सबसे पहले हमने एल्कली मेटल सोडियम या पोटेशियम लिया, तो क्या होगा, इसके ये दोनों H पॉजिटिव बाहर चले जाएंगे और आपको मिलेगा Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा हुआ। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो Na2C2, यानी कि सोडियम एसिटिलाइड। और अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई, देखो इसमें जो साइड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा,
हाइड्रोजन कि H पॉजिटिव Na प्लस Na से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा और NaOH में OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा एंड साइड प्रोडक्ट विल बी H2O और प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट वही होगा सोडियम एसिटिलाइड मीन्स H प्लस की जगह Na पॉजिटिव और अगर आप सोडामाइड से रिएक्शन कराते हैं तो Na Na दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे और जो साइड प्रोडक्ट होगा वो होगा अमोनिया। लेकिन अगर आप टॉलेंस रिएजेंट मीन्स अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं तो वो एक तरह से क्या होता है डाई अमीनो सिल्वर कॉम्प्लेक्स होता है तो इस केस में इसके साथ दोनों तरफ सिल्वर जुड़ जाता है और अगर आप सॉरी ये फैलिंग रिएजेंट है ये टॉलर और ये फैलिंग रिएजेंट होता है कॉपर सल्फेट एल्कलाइन तो इसमें हम क्या करेंगे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो अमोनिकल कॉपर सल्फेट जब आपने लिया तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो होता है डायमीनो कॉपर प्लस आयन तो ये जो कॉपर प्लस टू आयन है ये इसके साथ रिएक्शन करता है और आपको मिलता है Cu2C2 इसको आप Cu2C2 लिख सकते हो आप इसको सिल्वर एसिटिलाइड एसिड लिख सकते हो और अगर आप इसके ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएं तो देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है तो अब ये ऐसे ब्रेक होगा H पॉजिटिव तो H पॉजिटिव किसको मिलेगा R को तो आपके पास जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा RH Na और ये जो एसिटिलाइड आयन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा मैग्नीशियम के साथ तो ये देखो एसिटिलाइड आयन और मैग्नीशियम हैलाइड अब आप इस मैग्नीशियम हैलाइड ये क्या बन गया आपका एसिटिलाइड मैग्नीशियम हैलाइड बन गया यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन गया और इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट से आप डिफरेंट टाइप की सिंथेटिक एप्लीकेशंस में इसको काम में ला सकते हैं। एक चीज यहाँ हम और ध्यान से देखते हैं कि अगर आपने एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल का आपने एसिड ये लिया है मीन्स एसिटिलाइड लिया है तो इनका हाइड्रोलिसिस आसान होता है मीन्स आप इसके ऊपर सिंपल वाटर डालेंगे तो क्या होगा अगेन इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एंड यू विल गेट एसिटिलीन एंड NaOH इसका सिंपल वाटर से हाइड्रोलिसिस हो जाता है। लेकिन अगर आपने सिल्वर हैलाइड हैवी मेटल एसिटिलाइड लिया है या जैसे कॉपर सॉरी एल्कली और एल्कलाइड अर्थ मेटल के कंपैरिजन में हैवी मेटल है तो अगर आपने ये कॉपर और सिल्वर एसिटिलाइड लिया है और आप इनका हाइड्रोलिसिस सिंपल वाटर से करते हैं तो नो रिएक्शन होती है। लेकिन अगर आप एसिडिक वाटर लेते हैं मीन्स एसिडिक मीडियम लेते हैं तो इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और प्रोडक्ट यही बनता है एक तो एसिटिलीन और दूसरा या तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड डिपेंड करता है कि आप कॉपर एसिटिलाइड का कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस या सिल्वर एसिटिलाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो ये इसकी कुछ थी एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। अब इसमें अगर हम एसिटिलीन की जगह हम एल्काइन टर्मिनल लेके चलते मीन्स एक एच की जगह आर लेके चलते तो ये सारी की सारी रिएक्शन एज इट इज होती लेकिन सिंगल टाइम होती तो यहाँ पे एक मेटल आयन की जगह आपको यहाँ पे आर मिलता और एक साइड पे ये रिएक्शन हो जाती तो आपके लिए इस रिएक्शन को याद करना भी क्या होता है बहुत आसान होता है। तो इस तरह से ये आप देखते हैं ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाता है और अगर इसमें दोनों साइड आपने R ले लिया इस तरीके से यानी कि आपने नॉन टर्मिनल एल्काइन लिया और फिर आपने इसमें से किसी से भी रिएक्शन कराई है तो देयर विल बी नो रिएक्शन क्योंकि रिएक्शन तभी होगी जब एल्काइन टर्मिनल पोजीशन पर है। अब हम देखते हैं इथेन इथीन और इथाइन में कौन ज्यादा एसिडिक होगा और क्यों क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर आपने इथेन लिया तो इथेन में बोथ कार्बन आर sp3 हाइब्रिड और इस कार्बन का ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें कि 25% कैरेक्टर sk है और 75% कैरेक्टर पी ऑर्बिटल के हैं तो इसीलिए ये थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है और स्फेरिकल कम होता है इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा होती है और जो शेयर्ड पेयर होगा हाइड्रोजन और कार्बन का वो इससे इतनी डिस्टेंस पे होगा। लेकिन जब आप इथीन देखते हैं तो इथीन में ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड है और ये हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे
इसमें क्योंकि P करेक्टर 67% है और S करेक्टर 33% है, तो ये कम इलोंगेटेड होता है, यानी कि लंबाई में कम, स्फेरिकली ज्यादा होता है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्फेरिकल होता है। और अगर हम बात करें एसिटिलीन की, तो एसिटिलीन में ये हाइड्रोजन इसके साथ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ है, और जिसमें 50% S और 50% P करेक्टर्स होते हैं, और इसका ये शेयर्ड पेयर आप देख रहे हैं कार्बन के बहुत ज्यादा क्लोज है, क्लोज होने के कारण इसके ऊपर कार्बन का राइट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इथीन एंड इथेन। तो ये जब शेयर्ड पेयर को अपने पास ज्यादा रखता है तो हाइड्रोजन यहाँ से H+ आसानी से रिलीज हो जाता है, इसीलिए इसकी एसिडिटी इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें डिसोसिएशन कांस्टेंट की, तो एसिटिलीन का डिसोसिएशन कांस्टेंट 25 है, इथीन का 35 और इथेन का 40 है, क्योंकि ये वैल्यू डिपेंड करती है डिसोसिएशन कांस्टेंट पे। तो ये pKa वैल्यूज है, pKa वैल्यूज फॉर इथेन, इथीन एंड इथाइन। इसके अलावा जो सेकेंड फैक्टर है जिसके ऊपर एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिपेंड करती है, वो होता है कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करने के बाद जो बनने वाला नेगेटिव आयन है उसकी स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। तो इस केस में क्योंकि H+ देने के बाद ये इथाइल कार्बन आयन बनेगा, ये विनाइल कार्बन आयन बनेगा और ये एसिटिलाइट कार्बन आयन बनेगा। तो इसमें sp हाइब्रिड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें sp2 पे है और इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन पे है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो हम जानते हैं कि जब नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है तो वो स्टेबल होता है, इसकी सबसे कम है और इसकी इंटरमीडिएट है। तो क्योंकि इथाइन के केस में एक हाइड्रोजन निकलना आसान है और दूसरा निकलने के बाद जो एनायन बनता है वो भी ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए एसिटाइलीन ज्यादा एसिडिक होता है। अब हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ वाटर, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एसिडिटी ऑफ एल्काइन, एसिडिटी ऑफ अमोनिया एंड एसिडिटी ऑफ एल्केन। इनमें किसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है और क्यों है, या हम इसको कैसे प्रूव करते हैं? तो ध्यान दो, अगर आप एल्काइन की रिएक्शन सोडामाइड से कराते हैं तो क्या होता है, आपको सोडियम एसिटिलाइड और अमोनिया साइड प्रोडक्ट मिलता है। तो ये अमोनिया का सिंथेसिस होना इस बात पे प्रूव करता है कि एसिटिलीन इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया, अदरवाइज ये रिएक्शन रिवर्स में होती। सिमिलरली जब आप अमोनिया की रिएक्शन एल्काइल लिथियम से कराते हैं तो आप देखते हैं कि एल्केन बनती है और लिथियम अमाइड बनता है। तो एल्केन का फॉर्मेशन इस चीज को प्रूव करता है कि अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सिमिलरली अगर आप वाटर एंड एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम एसिटिलाइड से कराते हैं तो आपको एसिटिलीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इधर सोडियम एल्कोक्साइड मिलता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन इन बोथ केसेस इट शोज कि ये दोनों वाटर एंड एल्कोहल दोनों स्ट्रॉन्गर एसिड हैं, किससे, एसिटिलीन से। तो अब इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है, आप वाटर की रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्कोहल मिलता है, विच शोज वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। तो आपको पता चल गया वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल एंड एल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिलीन एंड एसिटिलीन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया एंड अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन RH, तो मीन्स एल्केन। और हम क्या देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो वीक होता है और जो वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता है। कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है कि आप एसिड में से हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर दो तो जो नेगेटिव आयन बचता है वो उसका कॉन्जुगेटेड बेस होता है। तो इट मीन्स बेसिसिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, जो एनायन बन रहा है वो क्या होगी, आर नेगेटिव की बेसिसिटी ज्यादा होगी NH2 नेगेटिव से, मीन्स अमाइड नेगेटिव से, फिर एसिटिलाइड उसके बाद, और इसके बाद एल्कोक्साइड और लास्ट में हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स हाइड्रोक्साइड कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी सबसे कम है और वाटर की एसिडिटी इनमें सबसे ज्यादा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसिडिटी ऑफ एल्काइन्स। अब हम देखते हैं एडिशन रिएक्शंस। एल्काइन्स के केस में एडिशन रिएक्शंस को हम थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं।
First electrophilic addition reaction, then nucleophilic addition reactions, and in last free radical addition reactions. Electrophilic addition reactions दो type की होती हैं, क्योंकि इसमें carbon triple bond carbon होता है, इसमें दो pi bond है, तो एक वो reaction जिसमें एक pi bond break होगा, यानी कि one mole of reactant जो है वो add होगा. दूसरा जब दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे यानी कि टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट उसके ऊपर या टू टाइम्स उस पर एडिशन रिएक्शन होगी. तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन्स, जिसमें हम देखते हैं कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है ब्रोमीन से एंड देन आयोडीन की. और क्लोरीन और ब्रोमीन की तो दो बार रिएक्शन हो जाती है, लेकिन आयोडीन का केवल एक ही मोल रिएक्शन कर पाता है, क्योंकि आयोडीन का बिगर साइज होने से एक ही एटम से दो आयोडीन नहीं जुड़ पाते. नेक्स्ट हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन, हाइपोहैलस एसिड जैसे HOCl, HOBr, इसके बाद हाइड्रेशन जिसमें आप डाइल्यूट H2SO4 से या वाटर से रिएक्शन कराते हो, फिर एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एडिशन ऑफ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड. आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के एडिशन से हम देखते हैं लुईसाइट बनता है, जिसको हम वार गैस की तरह काम में लाते हैं. इसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हालांकि बहुत ही कम अमाउंट में एल्काइन्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ होती हैं, जिसमें हम देखेंगे एडिशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनिक एसिड. और फ्री रेडिकल एडिशन में हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्योंकि ये परोक्साइड की प्रेजेंस में होती है और परोक्साइड की प्रेजेंस में HBr के फ्री रेडिकल इजीली बन जाते हैं. और हम यहाँ क्या देखते हैं कि एसिटाइलीन की जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो इथीन के कंपैरिजन में कम होती हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. इसके ऊपर क्वेश्चन भी अराइज होता है, दो एल्काइन्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंपैरिजन टू इथीन, इवन देन द रेट ऑफ रिएक्शन और द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइन्स टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शन इज लेस. वाई? क्योंकि इसके दो रीजन होते हैं. पहला कि ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिड कार्बन है. sp हाइब्रिड कार्बन होने से कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, और नेगेटिविटी ज्यादा होने से वो इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को, कि जो दोनों पेयर के इलेक्ट्रॉन है, इनको ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है और वो इलेक्ट्रोफाइल को अवेलेबल नहीं होते. और दूसरा हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से दो इक्वल पार्ट्स में शिफ्ट होती है, जिसको आप पोलराइजेशन भी कह सकते हो, कि एक प्लेन में तो होती है लेकिन दूसरे प्लेन में नहीं होती. लेकिन यहाँ पे दोनों ही प्लेन में होती है, मीन्स ऐसे वाले प्लेन में भी और ऐसे वाले प्लेन में भी. क्यों? क्योंकि एक पाई बॉन्ड अगर इन प्लेन है तो दूसरा वर्टिकल प्लेन में है, तो इसमें ये आपस में क्लब करके एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जैसे ये पेन की रिफिल है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसका ये जो कवर है ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. और इसके कारण इसको ब्रेक करना, क्योंकि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको ब्रेक करना इजी नहीं होता, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होता है. और यहाँ पे एक बात और देखने की है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर आपने एडिशन रिएक्शन करानी है तो यू नीड नॉट एनी कैटलिस्ट, आपको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती. लेकिन यहाँ पे आप हैवी मेटल्स को जैसे बेरियम, प्लस 2 या मर्क्यूरस आयन को एज ए कैटलिस्ट काम में लाते हैं. सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और उसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन. एडिशन ऑफ हैलोजन के लिए आपने अगर एसिटाइलीन की रिएक्शन क्लोरीन से इन CCl4 मींस इनर्ट सॉल्वेंट में कराते हैं, तो हम क्या देखते हैं, पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों पे एक एक Cl आ जाता है, मीन्स 1,2 डाइक्लोरो इथीन बनती है. और फिर अगर आप इसकी रिएक्शन दोबारा कराते हो दूसरे मॉलिक्यूल से या 1 मोल और क्लोरीन से कराते हो, तो आपको मिलता है वेस्ट्रॉल मीन्स 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन. और अगर आप ब्रोमीन से कराते हो तो ये रिएक्शन भी स्लो होती है, जैसे क्लोरीन की रिएक्शन स्लो होती है ऐसे ही ब्रोमीन की रिएक्शन भी स्लो होती है, और आपको मिलता है CH(CH)Br(Br) मीन्स 1,2 डाइक्लो ब्रोमो इथेन. और इसकी अगर दोबारा रिएक्शन कराते हैं तो 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन मिलता है. और यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये जो ब्रोमीन इन CCl4 है इसका कलर पिंक कलर होता है, लेकिन जैसे ही ये एसिटाइलीन के ऊपर रिएक्शन करता है इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये इससे रिएक्शन कर लेता है, तो इसीलिए हम इसको टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन भी कहते हैं. और ये रिएक्शन इथीन के
साथ भी होती है, लेकिन ये इथेन ये वाली रिएक्शन नहीं देते। और जब आप आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं तो आप मिथाइल अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं, और केवल एक ही मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन इसके ऊपर रिएक्ट करता है, क्योंकि आयोडीन का बिगर साइज होने से ये इसके ऊपर दो आयोडीन स्टेबल नहीं होते, तो इसलिए इसका सेकेंड स्टेप नहीं होता, केवल फर्स्ट स्टेप ही होता है। और अगर हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो क्लोरीन कंपेरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होती है, देन ब्रोमीन से और लास्ट में आयोडीन से। एडिशन ऑफ हेलोजन जो है वो दो स्टेप में रिएक्शन होती है। कैसे? फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन के अंदर पोलराइजेशन होता है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली पॉजिटिव के ऊपर अटैक करते हैं ब्रोमीन के ऊपर, और ये आपको एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है ये एसिटाइलीन का। और अब इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये बी आर नेगेटिव इसके ऊपर, ब्रोमाइड नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करता है, जो कि यहाँ पे बी आर पॉजिटिव पहले जुड़ गया था, बी आर नेगेटिव बाहर निकला था, ये बी आर नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करता है और ये रिएक्शन काफी फास्ट होती है और आपको मिलता है डाई ब्रोमो इथीन। और क्योंकि इसमें ब्रोमोनियम आयन जो बन रहा है वो साइक्लिक, इसमें काफी स्ट्रेन है डबल बॉन्ड के कारण, इस तरह से जो स्ट्रक्चर इसका बन रहा है इसमें यहाँ होना 120 डिग्री एंगल चाहिए, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, लेकिन स्ट्रेन के कारण ये अनस्टेबल होता है और कम बनता है, इसीलिए ये रिएक्शन जो है काफी स्लो होती है। लेकिन यहाँ इसको इस स्ट्रेन से क्या हो रही है, रिलीज मिल रही है, इसीलिए ये वाली जो सेकंड स्टेप है इसका वो फास्ट होता है। सिमिलरली जब एक मोल जुड़ जाता है उसके बाद दूसरे मोल के एडिशन के टाइम भी पहले इसमें पोलराइजेशन होता है और ब्रोमीन जो पॉजिटिवली चार्ज है उसके ऊपर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं, अब ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा। यहाँ पे देखो ये दोनों कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिड है, तो ये कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपेरिजन, तो इसलिए सेकंड स्टेप जो है वो मोर फेवरेबल होता है। अगर एक स्टेप हो गया उसके बाद सेकंड स्टेप मोर फेवरेबल होता है और दूसरा स्टेप और फास्ट होता है और आपको मिलता है 1122 टेट्राब्रोमो मीथेन। और अगर एसिटाइलिन की जगह हम प्रोपाइन लेके चले तो रिएक्शन इस तरह से होती है कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्शन करेंगे और आपको मिलेगा 1122 टेट्राक्लोरो प्रोपेन, और ब्रोमीन के केस में 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, और आयोडीन के केस में 12 डाई आयोडो प्रोपीन आपको मिलती है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी कि हाइड्रोजन हैलोजन एसिड्स की, अगर हम हैलोजन एसिड्स की बात करें तो HCl, HBr और HI तीनों की हम एडिशन रिएक्शन को यहाँ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे रिएक्शन होती है फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि दोनों के ऊपर हाइड्रोजन बराबर है, तो आप मार्कोनिकोफ रूल चाहे लगाइए या नहीं लगाइए, कहीं पर भी एक हाइड्रोजन और दूसरे पर हैलोजन का एडिशन होगा। तो पहले आपके पास बना विनाइल क्लोराइड, लेकिन अब मार्कोनिकोफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका एडिशन होता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन और जहां हाइड्रोजन कम है वहां हैलोजन आता है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है इथाइलीडीन क्लोराइड, इसका नाम है इथाइलीडीन क्लोराइड या 1,1-डाइक्लोरोइथेन। इसी तरह से HBr से रिएक्शन कराने पर फर्स्ट टाइम कहीं पर भी हाइड्रोजन और कहीं पर भी ब्रोमीन आ सकता है किसी भी कार्बन पे, लेकिन दूसरी बार मार्कोनिकोफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है और आपको मिलता है इथाइलीडीन ब्रोमाइड मींस 1,1-डाइब्रोमोइथेन। और HI की रिएक्शन कराते हैं तो केवल एक ही बार होती है और वो कहीं पर भी हो सकता है और आपको मिलता है विनाइल आयोडाइड। और अगर हम इनकी रिएक्टिविटी का सीक्वेंस देखें तो HI की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम है, ये बॉन्ड वीक होता है, ये जल्दी से रिएक्शन करता है, तो आपको देखेंगे HI की रिएक्टिविटी ज्यादा है HBr से और फिर HCl से। और अगर हम प्रोपाइन लेके रिएक्शन कराएं तो पहला स्टेप भी मार्कोनिकोफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा और सेकेंड स्टेप भी मार्कोनिकोफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा। तो देखो इसमें 2 नंबर कार्बन के ऊपर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आएगी और सेकेंड स्टेप में भी 2 नंबर कार्बन के ऊपर क्लोरीन और ब्रोमीन आती है और आपको मिलता है 1,2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो ये इसकी थी हाइड्रोजन हैलोजन हाइड्रोजन हैलाइड एसिड से रिएक्शन यानी कि उसका एडिशन। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हम फर्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं, अगर ये आपने प्रोपाइन ले रखा है तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग टुवर्ड्स टर्मिनल कार्बन की तरफ होती है, और HCl में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ज्यादा होने से ये
इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा बॉन्ड के क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और आपको मिलता है ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। एक्चुअली ये सेकेंडरी कार्बन नहीं, टर्शरी है, क्योंकि यहाँ पे ये दो वैलेंसी इसकी कार्बन से पूरी हो रही है और एक इससे पूरी हो रही है। और अगर ये रिवर्स होता, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ आता और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आता, टर्मिनल कार्बन पे, तो वो लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता। अब इसके ऊपर क्लोरीन क्लोराइड आयन जो है वो इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है और आपको देता है 2-क्लोरोप्रोपीन। अब इसके थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये सेकेंड स्टेप था जब क्लोराइड इसके ऊपर अटैक करता है, थर्ड स्टेप में अगेन क्या होगा, इसके ऊपर अब एक हाइड्रोजन में जुड़ना है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा, तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है, इस पर भी जुड़ सकता है। अगर वो टर्मिनल कार्बन पे जुड़ेगा तो देखो इस तरह से सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनेगा, और अगर वो इस बीच वाले कार्बन पे जुड़ेगा तो आपको प्राइमरी कार्बोनियम आयन मिलेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, तो इसीलिए ये तो बनता है और प्राइमरी वाला नहीं बनता। इसीलिए फोर्थ स्टेप में इस सेकेंडरी कार्बोनियम आयन पे क्लोराइड आयन रिएक्शन करता है और आपको मिलता है 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। तो अगर इस रिएक्शन में आपसे कोई पूछे काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मीन्स इट इज यूनिमोलिक्यूलर, इट इज बाइमोलिक्यूलर और इट इज ट्राइमोलिक्यूलर, और द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइन और ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ HCl और समथिंग एल्स, तो लेट्स सी व्हाट इज द काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। आप देखिए ये एल्काइन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एसिड जो है एक साथ रिएक्ट करते हैं। कैसे, ये जो ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे अटैक ऑन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ HX, क्योंकि इसमें HX के ऊपर आप देखेंगे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। इधर से इस कार्बन पे क्योंकि पार्शियल नेगेटिव है तो ये इसके ऊपर अटैक करता है, दूसरा HX नीचे से। तो यहाँ देखो, क्योंकि जब ये इस H+ से जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इससे अट्रैक्ट होगा ये X आयन। तो अब ध्यान दो, ये RC=CH, ये तो एल्काइन से ही है, लेकिन ये पाई बॉन्ड जुड़ गया किससे, हाइड्रोजन से, और इस कार्बन से पार्टली बॉन्डेड हो गया हैलोजन। तो जब ये इससे ऐड हो गया तो इसका इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो वीक होने लग जाता है और ये पार्शियल पॉजिटिव। और इस तरह से जब इस हाइड्रोजन से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएगा और इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, तो इसलिए इस X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से X- और यहाँ से H+ बाहर चला जाएगा और आपको मिलेगा HX। तो अल्टीमेटली इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HX एंड एल्काइन पार्टिसिपेट करते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ HX बाहर भी जाते हैं। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट डिपेंड्स ऑन द सिंगल कंसेंट्रेशन ऑफ RC ट्रिपल बॉन्ड CH मीन्स एल्काइन एंड स्क्वायर कंसेंट्रेशन ऑफ HX मीन्स इट इज अ टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन, नॉट यूनिमोलिक्यूलर, नॉट बाइमोलिक्यूलर, इट इज अ टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन। नाउ वी सी एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड एंड हाइड्रेशन रिएक्शन। तो पहले हम एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड को डिस्कस करेंगे। ये आपके पास एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है और हाइपोहैलस एसिड जैसे कि HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HOBr मीन्स हाइपोब्रोमस एसिड, इनमें आप ध्यान देंगे कि क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी है इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कम है और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होने से O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। तो ध्यान दो कि इसमें मार्कोनिकोफ प्रिंसिपल अभी फर्स्ट स्टेप में नहीं लगेगा, तो आप किसी भी एक कार्बन पे क्लोरीन और किसी भी दूसरे कार्बन पे आप OH जोड़ सकते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर OH आता है तो उसमें क्या होता है, तुरंत इनोलाइजेशन यानी कि टोटोमेरिज्म हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह से इनोल है। तो अगर आप इसका टॉटोमरीन करके इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान दो ये क्या होगा, CH डबल बॉन्ड O
और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2 और Cl मीन्स क्लोरो एस्टेल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर आप पढ़ भी लें कि टॉटोमेरिज्म नहीं हुआ, पहले दूसरे मॉलिक्यूल ने एडिशन रिएक्शन कर दी, तो अगेन मार्कोनिकोफ प्रिंसिपल से आप क्या करेंगे, यहाँ पे OH देंगे, तो इस कार्बन पे दो OH आएंगे, इस कार्बन पे क्या आएंगे, दो क्लोरीन आएंगे। और क्योंकि सेम कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, तो इसीलिए इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और आपको मिलेगा डाइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, हमें ऑलमोस्ट दोनों प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। और अगर आप प्रोपाइन लेके चले, प्रोपाइन के ऊपर हाइपोहैलस एसिड की रिएक्शन करें, तो पहले एक मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और फिर जब आप दूसरे मॉलिक्यूल का एडिशन करेंगे तो इस कार्बन पे दो OH आएंगे जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट होगा और इस पे क्लोरीन आएगा, तो आपको मिल जाएगा डाइक्लोरो एसीटोन। लेकिन अगर इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाए, देखो टॉटोमेरिज्म के लिए आप इस तरीके से निशान लगाते हैं, ऐसे एरो लेके और इस तरीके से कर देते हैं, तो ये टॉटोमेरिज्म के लिए हो जाता है। तो ध्यान दो, ये आपके पास यहाँ पे जब टॉटोमेरिज्म होगी तो OH में से S इधर चला जाएगा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएंगे, तो आपको मिलने वाला है ये CH2Cl मीन्स क्लोरोएसीटोन। जब दो मॉलिक्यूल करेंगे तो डाइक्लोरोएसीटोन, और अगर एक मॉलिक्यूल और उसके बाद टॉटोमेरिज्म होता है तो आपको प्रोडक्ट मिलता है क्लोरोएसीटोन। अब ध्यान दो, अगर हम हाइड्रेशन करते, हम हाइपोहैलस एसिड से रिएक्शन नहीं कराते, हम हाइड्रेशन करते मींस एक एच और एक OH के ऊपर रिएक्शन करता, ये रिएक्शन जनरली हम डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं एसिडिक मीडियम में, और जिसमें हम कैटलिस्ट लेके चलते हैं Hg2SO4 मींस मर्क्यूरस सल्फेट लेके चलते। तो देखो पहले एक कार्बन पर हाइड्रोजन और एक के ऊपर OH ग्रुप आ जाएगा, तो आप Cl की जगह क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो जब HOH ऐड होगा तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा H और इसके ऊपर OH। अब अगेन जब आप दोबारा रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, और ये दो OH में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और आपको यहाँ मिलने वाला है एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि इन दोनों OH में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसी मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म हो जाती तो क्या होता, ये आपको मिलता CH3CHO मींस एसिटाल्डिहाइड, वहां पे भी आपको एसिटाल्डिहाइड मिला, यहाँ पे भी आपको एसिटाल्डिहाइड मिलता है। सिमिलरली अगर आप प्रोपाइन के ऊपर HOCl की जगह आप हाइड्रेशन कराते हो HOH से, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरस सल्फेट से, तो पहले क्या होगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन और मार्कोनिकोफ प्रिंसिपल से इसके पास OH आएगा। अब क्योंकि दोबारा एक बार और रिएक्शन हो सकती है, तो आप हाइड्रोजन इधर और OH इधर देंगे, तो दो OH में से सेम कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और आपको यहाँ मिलेगा एसीटोन, ये मिलेगा CH3। सिमिलरली अगर इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाती तो भी आपको जो प्रोडक्ट मिलता वो क्या होता, एसीटोन। तो ये था एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड एंड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन्स। नेक्स्ट वी सी एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड। एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड में पहले ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर एक मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, तो एक पर आप देखेंगे हाइड्रोजन, जैसे इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया और इस कार्बन पे एसीटेट आता है, इसको हम बोलते हैं विनाइल एसीटेट। नेक्स्ट अगर दूसरा मॉलिक्यूल और एडिशन कर लेता है तो दोबारा इसके ऊपर हाइड्रोजन और इसके ऊपर एसीटेट आएगा और आपको मिलने वाला इथाइलिडीन एसीटेट, इसको हम इथाइलिडीन एसीटेट कहते हैं। और अगर हम इसको 573 से 673 टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो इसमें से ये एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का, तो आपको एक मिलता है CH3CO होल ट्वाइस O, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है CH3CHO, तो आपको मिलता है CH3CHO। इसे मैं दोबारा लिख देती हूँ CH3CO
होल ट्वाइस ओ यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड। और अगर आप विनाइल एसिटेट जिसमें कि आप देख रहे हैं अभी एक पाई बॉन्ड है तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अगर आप इसका पॉलीमराइजेशन करा देते हैं तो आपको मिलता है रेजिन, क्योंकि इसके एन मॉलिक्यूल्स आपस में लीनियरली जुड़ के एन मॉलिक्यूल्स स्टेट चेन में आपको रेजिन देते हैं जिसको आप बोलते हैं पॉलीविनाइल एसिटेट। और अगर इसके ऊपर आप आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड का एडिशन कराते हो ये वाली रिएक्शन कहलाती है फॉर्मेशन ऑफ लिविसाइट। ये आर्सेनिक क्लोराइड से रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इट गिव्स बीटा क्लोरो विनाइल, क्योंकि ये पूरा एक विनाइल ग्रुप है। अगर आप देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH और डैश होता है तो हम उसको विनाइल कहते हैं, लेकिन इसमें ये अल्फा और ये बीटा तो क्या हो जाएगा बीटा क्लोरो विनाइल आर्सेनिक क्लोराइड। मीन्स एक कार्बन के ऊपर क्लोरीन जुड़ गया और दूसरे कार्बन के ऊपर आर्सेनिक, तो आर्सेनिक के साथ दो क्लोरीन और है वो भी जुड़े रहते हैं। इस कंपाउंड का नाम होता है लिविसाइट और ये एक वॉर गैस की तरह काम में लाते हैं और इसी का दूसरा नाम होता है बीटा क्लोरो विनाइल आर्सेनिक क्लोराइड। नाउ वी सी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शंस में हम HBr की रिएक्शन परोक्साइड की प्रेजेंस में एल्काइन से कराते हैं, हम इसमें HCl और HI नहीं लेते हैं क्योंकि HBr के ही फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन इजी होता है। तो अब ध्यान दो, पहले इसमें क्योंकि ये परोक्साइड की प्रेजेंस में है तो एंटी मार्कोनिकोव प्रिंसिपल से रिएक्शन होगी यानी कि खराश इफेक्ट से होगी। तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं बल्कि ब्रोमीन का एडिशन होगा। तो यहाँ तो फर्स्ट स्टेप में दोनों पे ही इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो आप कहीं पर भी हाइड्रोजन और किसी भी एक कार्बन पे ब्रोमीन का एडिशन कर सकते हैं तो आपको मिलेगा विनाइल ब्रोमाइड। लेकिन जब आप इसका सेकेंड स्टेप करेंगे यानी कि आप एक बार और HBr से परोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो अब जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां ब्रोमीन का एडिशन होगा और जहां हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन का होगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है इथाइलीन ब्रोमाइड, इसको हम इथाइलीडीन नहीं बल्कि इथाइलीन ब्रोमाइड कहते हैं यानी कि 1,2-dibromoethane। और अगर आप इसकी जगह प्रोपाइन लेकर चलते हैं तो क्या होता है, प्रोपाइन में पहले हाइड्रोजन इस नॉन टर्मिनल कार्बन पे यानी कि जहां हाइड्रोजन कम है वहां आता और ब्रोमीन जाता जहां हाइड्रोजन ज्यादा है तो आपको 1-bromo-1-propene मिलता। और दोबारा जब आप करेंगे क्योंकि अब दोनों पे बराबर है आप कहीं पे भी कर सकते हैं तो हम क्या देखते हैं आपको मिलता है, क्योंकि ये जनरली एक रूल होता है कि जहां पहले ब्रोमीन गया वहीं दूसरा ब्रोमीन जाएगा तो आपको ये मिलता है 1,2-dibromo-propane या आप इसको प्रोपाइलीडीन ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। सिमिलरली जो आपने ऊपर देखा 1,2-dibromoethane एक्चुअली ये कम बनता है और आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है वो CH3CHBr2 मीन्स इथाइलीडीन ब्रोमाइड ही मिलता है, क्योंकि जहां पहले हाइड्रोजन गया वहां हाइड्रोजन जाता है और जहां ब्रोमीन गया वहां ब्रोमीन जाता है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहला तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि एसिटाइलीन में ट्रिपल बॉन्ड है और वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना चाहिए, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों होता है। तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये दोनों कार्बन क्योंकि sp हाइब्रिड कार्बन है इनकी नेगेटिविटी ज्यादा है, इनकी नेगेटिविटी ज्यादा है तो इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो यहाँ हम इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स तो नहीं है, केवल दो ही एग्जांपल्स हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक मिथाइल अल्कोहल, अगर आप पोटेशियम मिथॉक्साइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है विनाइल मिथाइल ईथर। और ये विनाइल मिथाइल ईथर एक्चुअली पॉलीमराइजेशन करके आगे हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं आपको मिलता है पॉलीविनाइल ईथर। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन साइनिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं HCN की तो हम क्या देखते हैं, एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक पे CN, लेकिन अटैक किसका पहले होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का CN माइनस का अटैक पहले होता है, इसमें OCH3 का अटैक पहले होता है और आपको मिलता है पॉली ये एक्रिलिक नाइट्राइल, इसको एक्रिलो नाइट्राइल भी बोलते हैं, और जो पॉलीमराइजेशन करके आपको देता है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल जो कि ऑर्लोन फाइबर और तरह तरह के प्लास्टिक्स में काम में आता है।
तो ये थी इसकी एडिशन रिएक्शंस, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन्स को डिस्कस किया है. इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन माई कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.